गिलकी की सब्ज़ी को मैंने बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाया है, जबकि बच्चे इसे खाना पसंद नहीं करते हैं, पर अगर आप इस तरह से गिलकी की सब्ज़ी बनाओगे तो बच्चे मांग मांग कर खाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है गिलकी की सब्ज़ी। चलिए हम बनाते हैं गिलकी की सब्ज़ी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मनोरमा, कुक विद मनोरमा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इसे तोरई, गिलकी, नेनुआ, हमारे यहाँ तो गिलकी और नेनुआ कहते हैं, तोरई जो खुरबुरा आता है उसे कहते हैं, इसे नहीं कहते है। आपके यहाँ क्या कहते हैं बताइएगा कमेंट में। इसे मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाने जा रही हूँ क्योंकि बच्चे इसे जल्दी खाते नहीं हैं, बहुत नाटक करते खाने में। इसका साइड से पार्ट्स हम कट कर लेंगे और ऐसे चाकू की सहायता से छीलेंगे। देखिए ऐसे पूरा छील कर हम धो लेंगे, इसे ज़्यादा नहीं छीलना है, सिर्फ ऐसे ही ऊपर का थोड़ा सा छिलका निकालना है। सब ऐसे ही हम छील लेंगे सारे गिलकी को। अब हम कट करेंगे, थोड़ा बड़ा कट करेंगे, 2.5 से 3 इंच तक का हम रखेंगे और इसके 2 टुकड़े करेंगे। ये देखिए इसे मैं फ्राई करने वाली हूँ, ये कुछ ज़्यादा बड़ा है, इसके 3 टुकड़े करेंगे, 2 पार्ट्स करेंगे इसके। ये आसानी से गल जाते हैं, जल्दी पकते हैं, इसके भी 3 पार्ट्स कर देंगे। देखिए सब गिलकी को हमने कट कर दिए हैं 2 टुकड़ों में। अब कुछ मसाले पीसेंगे, इसमें 7 से 8 कली लहसुन की है, 1/2 इंच जीरा है, थोड़ी हरी धनिया है, 4 हरी मिर्ची है और 0.5 से 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। इसे हम एक साथ में मिक्सी में पीस लेंगे, पानी का यूज़ नहीं करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, जैसे 1/2 से 1 चम्मच, वरना हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे, इसे पीस लेते हैं। इसमें हम पीसे हुए मसाले डालेंगे जो पीसे थे अभी, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले रही, तीखा ज़्यादा नहीं बना रही हूँ मैं, बच्चों के लिए बना रही हूँ, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच नमक है, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए, बेसन है 1.5 चम्मच का पहले यूज़ कर रही हूँ। इसे हम मिक्स करेंगे, हाथों की सहायता से मिक्स करेंगे, इसमें हमें पानी नहीं डालना है क्योंकि इसे मिक्स करने के बाद में हम 10 मिनट रखेंगे। नमक डाले है, गिलकी वैसे ही बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसमें से पानी बहुत जल्दी रिलीज होता है, तो 10 मिनट हम इसे मैरिनेट के लिए रखेंगे, तो पानी अपने आप इसमें से रिलीज़ होगा, फिर सारे मसाले अच्छे से भिन जाएंगे इसमें, लग जाएंगे गिलकी में, इसलिए हमें बिल्कुल पानी का यूज़ नहीं करना है, हम इसे फ्राई करने वाले हैं। देखिए मिक्स हो चुका है, अब इसे हम कम से कम 10 मिनट हमें रखना ही है, ये गिलकी जब पानी छोड़ेगा तब ये मसाले और अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, 10 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। देखिए थोड़ा पानी इसमें रिलीज़ हुआ है, देखिए पूरा नरम हो गया है मसाले सब, इसे अच्छे से हाथों से वापस एक बार मिक्स कर देंगे। देखिए मसाले की कोटिंग अच्छे से आ रही है गिलकी के ऊपर, पहले कितना मसाला एकदम सूखा सूखा लग रहा था, अभी देखिए पूरा स्टिकी हो गया है। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। यहाँ पर हमने पैन रखे है गर्म होने के लिए, इसमें 2 बड़े चम्मच हम तेल डाल देंगे, तेल गर्म होने देंगे, पूरी तरह से ऐसे तेल फैला लेंगे, अब तेल गर्म होने देंगे हम। तेल गर्म हो चुका है, अब इसी में हम मसाले से मिक्स किया हुआ गिलकी रखेंगे। आंच हमें मीडियम रखना है, आप स्लो भी रख सकते हो पर तेज आंच नहीं रखना है। जितना पैन में बैठे बस उतना ही हमें गिलकी रखना है, फिर बच जाएगा तो हम सेकेंड बेंच में इसे फ्राई कर लेंगे।
बस अब हम इतने ही रखेंगे इसे, 1 से 2 मिनट तक का हम ऐसे ही रहने देंगे। इसे चेक नहीं करना है, नहीं इसे हिलाना है, थोड़ा मसाला पकने देना है। 1 से 2 मिनट बाद हम इसे देखते हैं। दो मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम टर्न करते हैं, देखते हैं मसाला पका है क्या। देखिए मसाला पक चुका है। ऐसे ही सब हम पलटी कर देंगे, दूसरी तरफ से हमें पकाना है। थोड़ा डिफरेंट हो जाता है टेस्ट में, खाने में अच्छा लगता है, फिश फ्राई की तरह हो जाता है, जैसे हम फिश फ्राई करते हैं। इसमें हमने अदरक हरी धनिया पीस के लिए थे, लहसुन, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है फ्राई करते वक्त। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल कुक विद मनोरमा को फॉलो करिए। आप एक बार ज़रूर बनाइए सब्ज़ी इस तरीके से, बहुत ही अच्छी लगती है गिल्की फ्राई। देखिए हमने पूरा पलटी कर दिए है, अब इसे भी दूसरी तरफ से भी कम से कम 2 मिनट हमें पकने देना है। आँच को स्लो या मीडियम रखना है, तेज नहीं रखना है। 2 मिनट बाद हम चेक करेंगे तो दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक जाएगा। देखिए 2 से 3 मिनट हो गया है, अब हम चेक करते हैं। देखिए सब तरफ से अच्छे से पक गया है मसाला, देखिए अच्छे से पक गया है। गिल्की तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। देखिए अपने हिसाब से आप इसे स्लो मीडियम आँच पे करके पका सकते हो। अब इसे हम निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छा लगता है फ्राई गिल्की। बच्चे इसे जल्दी खाना पसंद नहीं करते हैं, पर फ्राई करोगे आप बहुत अच्छे से खाते हैं। देखिए निकाल लेंगे इसे। एक बैच का फ्राई हो चुका है, अब हम दूसरे बैच का ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। मसाला जो थाली में लगा है उसे भी ले लेंगे हम। आप एक बार इस तरह से बनाइए, बहुत पसंद आएगा सबको। जो फिश नहीं खाता है वो लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अब इसे भी हम फ्राई होने देंगे, 2-3 मिनट ऐसे ही रहने देंगे, फिर इसे पलटी करेंगे। देखिए 2 से 3 मिनट हो चुका है, अब हम चेक करेंगे, पक गया है। देखिए अब इसे पलटी कर लेंगे, फिर दूसरे साइड से भी हमें 2 से 3 मिनट पका लेना है। तेल गर्म है, जल्दी हो जाता है। गिल्की को भी ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है पकने में, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। अब इसे सिर्फ 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट बाद हम चेक करेंगे तो पक जाएगा। 2 मिनट अभी हम इसे पकने देंगे। दो मिनट हो चुके हैं, देखिए पूरी तरह से मसाला गिल्की सब पक चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे, इसे भी हम रिमूव कर लेंगे। ऐसे ही सारे गिल्की हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए दोनों बैच का तैयार हो गया है। इसी समय इसमें हम थोड़ी सी हरी धनिया स्प्रिंकल करेंगे, हरी धनिया ऑप्शनल है। हमने इसमें अमचूर पाउडर का यूज़ किए थे, अगर अमचूर पाउडर नहीं डालते तो इस वक्त हम इसमें नींबू डालते, नींबू निचोड़ते, पर अमचूर पाउडर का यूज़ किए थे, नींबू की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, नहीं खाने वाले बच्चे भी खाएंगे इसे और कहेंगे मम्मी वापस से बनाइए, बहुत अच्छी बनी है गिल्की की सब्ज़ी।
इसलिए आप इसे ट्राई करिए, बनाइए, खाइए, बच्चों को खिलाइए और कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय।